एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है सेकेंड डे और यहाँ पे पेंटिंग के लिए किसका बनाया? आज इंडिया का ही बनाएंगे। इंडिया की चेयर अप करेगा ना? हाँ हाँ श्योर। बना 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 फेस खराब नहीं होगा तो? वाटर पेंट है, कॉस्टली कलर है, कुछ नहीं होगा, केमिकल फ्री है। आते नहीं लग गया क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरी। तो गाइज़ ये वीडियो वर्ल्ड कप समय का है जो कि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग, आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। जो लोग स्टेडियम नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए, एंजॉय करिए वीडियो को। हाँ बस आते साथ लोग कितना मजा आ गया। सब पहन रहा है, देखिए कोई भी अभी पहनेगी। तो ये जो जोश है काफी, मतलब मजा आ रहा है। आज इंडिया का मैच नहीं है, फिर भी हम लोग का जो जोश है, बस इंडियन है तो इंडिया को ही हम लोग प्रोत्साहन देंगे। तो ये है गेट नंबर 2 और हम लोग यहीं से जाने वाले हैं। और एंट्री करने के बाद सारा वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी। और गेट नंबर 2 से होके जा रहे हैं और देखते हैं एंट्री करने के बाद। टिकट हो चुका है और हम लोग ये स्टेडियम की ओर। और मेरी मम्मी तो गाइस काफ़ी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं इतने सारे बसेस हैं। मज़ा आएगा ना? टेस्ट मैच के लिए बना है। और ये रहा हम लोग का फाइनल इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टेडियम है हॉकी का। सो चलिए चलते हैं अंदर। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ रौरकेला का सबसे बड़ा बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि हमारे रौरकेला में है। और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम बना है, अनबिलीवेबल। 20,000 सीटर का ये स्टेडियम बना है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन एशिया। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है और इतने सारे लोग। आज सेकेंड डे ऑफ मैच है और सेकेंड डे में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों का, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। जोश गजब लग रहा है, गजब गजब। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सो गाइस, अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रौरकेला में इतना बड़ा स्टेडियम बना है तो मतलब एक्साइटमेंट तो भरपूर। नॉर्थ एंट्री और वहाँ पे शायद हम लोग का आई थिंक ईस्ट एंट्री है। तो देख सकते हैं ये ईस्ट एंट्री हम लोगों का। तो हम लोग जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। और पापा कैसा लग रहा है? इंडिया मैच, इंडिया का तो मैच नहीं है, फिर भी कैसा लग रहा है? देखिए अच्छा लग रहा है। अभी एंट्री करेंगे हम लोग शायद आगे से। ए एंट्री कोड़े अच्छी भाई देखी गलो, ठीक है। बाहर का जो व्यू है इस तरह का है। सो इस तरह आपको सीढ़ी से होके ऊपर जाना है। और सबको ने स्टेडियम दिखाया पर स्टेडियम के अंदर का सीन बहुत कम लोगों ने दिखाया। पाएंगे तो ये फीमेल टॉयलेट और वहाँ इस तरफ का पूरा फीमेल टॉयलेट है और यहाँ पे पानी पीने का फैसिलिटी है और देख सकते हैं स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल हैं। और यहाँ से 204-5 का एंट्री है और यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है। तृप्ति पे मेल टॉयलेट है, फूड स्टॉल भी है, चाय पानी आप यहाँ से पी सकते हैं। और यहाँ पे है हमारा एंट्री। पूरा तो ले Ladies and gentlemen, as we get moving this back for number 5 between New Zealand and Malaysia, let's have a closer look at the both teams tonight. Just to the 1-1, Dominic Henry. Just to the 4, Dane. Just to the 6, Thomas Chai. Just to the 7, Nick Rule. Just to the 8, John Morris. Just to the 9, Sam Heehaw. Just number 10, 15, Kingston. Just number 11, J.G. Smith. Just number 12, Yost. Just number 16, Aiden Sarikaya. Just number 17, Nick Wood. Just number 19, Joseph Morris. Just number 20, just number 22, Darius Carrett. Just number 24, John Benson. Just number 31, Aiden Phillips. देख सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है और अभी गेम शुरू ही होने वाला है। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं तो यही चेन में रहते हैं। फ्रंट में मेरा घर तो वही है। तो पूरा सामने में है। तो कैसा मतलब जोश कैसा है? जोश तो बहुत ज्यादा है। जब जब शुरू हुआ था वो टाइम से हम लोग का जोश। तो देख सकते हैं कितना जोश है सबके अंदर। अंकल आंटी दोनों इधर ही बगल में रहते हैं फिर भी आ गए हैं। तो अभी तो जस्ट फिलअप हो रहा है, बहुत कम लोग आए हैं। धीरे धीरे जब गेम स्टार्ट होने वाला होगा बहुत लोग आएंगे। ये इवनिंग टाइम में थोड़ा ज्यादा मतलब क्राउड अच्छा लगेगा। हाँ मिला नहीं ना टिकट। हाँ एक्चुअली It's Lee Gilligan's 100th international match today. Congratulations. Long with David Leslie from New Zealand is playing his 100th international. किसको सपोर्ट करेगी? न्यूजीलैंड। मैं भी न्यूजीलैंड तो मैंने वर्ल्ड कप नहीं जीता। हां चिली का हुआ फर्स्ट टाइम। हां चिली और फ्रांस पानी पकाई छे पूरा। हां तांकर गोल है नहीं ना तलटा भी बढ़िया कराई पानी पानी अच्छे ड्रोन टा न्यूजीलैंड गोल है न्यूजीलैंड वाला गोल पेनल्टी को आए खतरनाक इधर भी दिखा देगा। सो अभी दोपहर का टाइम है और काफ़ी कम क्राउड लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है, फिर भी लोग बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे आए हैं। इवनिंग का मैच आपको मैं कल दिखाऊंगी क्योंकि कल हम लोग का 5 PM को है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सिनेरियो है और पहली बार हम एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम में आए हैं, तो काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच और बहुत ही माहौल बहुत ही रोमांचक है। So guys, child से एग्री पॉइंट नहीं हो तेरी का बड़ा चांस था ना गाइज, बहुत ही अच्छा चांस था बट उनका गोल नहीं हो पाया, तो बहुत ही दुख की बात है। गोल हो चुका है और देख सकते हैं काफ़ी मतलब रोमांचक लग रहा है गेम और चाइल्ड्स का एक भी पॉइंट नहीं हुआ है अभी तक, तो होप देखते हैं कौन जीतता है आज, कौन विनर होता है। तो हम तो दोनों टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कल इंडिया का मैच है, मैं कल आके आपको इंडिया का मैच दिखाऊंगी। हो रहा है और टैनिंग का भी इशू होने वाला है आज और देख सकते हैं मम्मी मैं छुपती तीनों जा यहाँ पे पूरा कवर अप होके बैठे हैं। वॉशरूम, और वॉशरूम भी ठीक ठाक है। हो चुका है और न्यूजीलैंड का थर्ड, सो देखते हैं कौन जीतता है। हुआ ना न्यूजीलैंड विनर है, 3 गोल्स उन्होंने किया है और चाइल्ड्स का 1 गोल। सो वो काफ़ी अच्छा लगा मैच देख के और होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो कल मैं अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।